दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आप जानते हैं दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया और क्या आपको मालूम है दुबई इतना अमीर कैसे बना? अभी कुछ दिन पहले दुबई बाढ़ के चपेट में आ गया था। आखिर इतने रेतीली जगह पर बाढ़ कैसे आई? सब पैसे का खेल है। चलिए आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताते हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें, जगमगाती लाइट्स और खूबसूरत सा दिखने वाला दुबई हर किसी को पसंद आता है। आज इंटरनेशनल ट्रिप के लिए दुबई लोगों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो खूबसूरत और लग्जीरियस दुबई इस वक्त आप देख रहे हैं, एक वक्त पहले ये सिर्फ और सिर्फ रेत से घिरा हुआ इलाका था जहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। आज जिस दुबई में बसने के लोग सपने देख रहे हैं, उसी दुबई में लोग कदम रखने से भी डरते थे। ऐसे में क्या हुआ कि दुबई का पूरा नक्शा ही बदल गया? कैसे दुबई इस मुकाम पर पहुंचा और क्या है दुबई की असली कहानी? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों साल 1833, ये वही वक्त था जब आज जहां दुबई है वहां कबीले के कुछ लोग जाकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त ये जगह पूरी तरह से रेगिस्तान हुआ करती थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत नजर आती थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में थी। उस वक्त दुबई मछुआरों का गांव कहलाता था। हालांकि 1894 में कुछ ताजीर दुबई में बसता शुरू हो गए क्योंकि यहां पर उन पर टैक्स बहुत कम था। लेकिन दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। इसके बाद 1912 में दुबई की हुकूमत शेख शहीद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम जोरों शोरों पर चलता था। आप ये समझ लीजिए कि दुबई की इकोनॉमी इसी काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये बात 1958 की है जब दुबई की हुकूमत शेख राशिद बिल शहीद अल मखदूम के हाथों में आ गई। यही वो शख्स थे जिन्होंने दुबई को एक मछुआरों के गांव से आज एक फुल्ली डेवलप्ड सिटी में बदल दिया, जहां सबसे पहले उन्होंने दुबई क्रीक जहां पर जहाज आकर रुकते थे उसको और ज्यादा गहरा करवाना शुरू कर दिया। वो जगह बहुत छोटी थी और शेख जानते थे कि जगह छोटी होने की वजह से यहां पर बाहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते, जिस वजह से इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहां पर पैसा खर्च किया और इस जगह को बेहतर बनाया। इस काम के लिए उन्होंने इतने पैसा खर्च किए कि उस वक्त वो रकम दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा थी। यहां तक कि इस काम के लिए उन्होंने कर्ज भी लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद ये बात जानते थे कि इस पूरे प्रोजेक्ट से दुबई की शक्ल बदलने वाली है और उनकी ये सोच पूरी तरह से कामयाब हो भी गई। जहां दुबई में बड़े बड़े जहाज आकर रुकने लगे, जिससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गया। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और वे वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। खासतौर पर उन्हें लंदन बहुत पसंद था। उन्हें लंदन की सड़कें और वहां पर बना हुआ अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम बड़ा इंस्पायर करता और इसे देखकर वो चाहते थे कि एक दिन दुबई भी ऐसा ही मॉडर्न और एडवांस शहर बन जाए, और इसीलिए शेख राशिद ने दुबई को मॉडर्न सिटी की शक्ल देना शुरू कर दिया। जहां साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली की लाइन्स, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके में शेख राशिद फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन पाएगा। लेकिन 1966 में दुबई की पूरी किस्मत ही बदल गई। ये वही साल था जब दुबई में तेल की खोज हुई, लेकिन यहाँ पर तेल के बहुत ज्यादा कुएं नहीं थे। ऐसे में शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी के साथ इस बात को समझा कि अगर दुबई केवल तेल पर डिपेंडेंट रहेगी तो आने वाले समय में उनका ठन ठन गोपाल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस वक्त अपने लोगों से कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है।
अच्छी खबर ये कि दुबई में तेल की खोज हो गई है, लेकिन बुरी खबर ये है कि तेल बहुत थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने दुबई से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को और भी बेहतर करवाना शुरू कर दिया। जहां पहले तो 1979 में दुबई में एक ऊंची इमारत बनाई गई और उन्होंने दुबई में बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलाकर दुबई को बेहतर बना दिया और एक के बाद एक कई सारे प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो गए। हालांकि 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए और अभी उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई को चला रहे हैं और इस वक्त जो दुबई हम देख रहे हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इन्होंने दुबई को ऑयल प्रोड्यूसिंग सिटी ना समझकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का काम जोरों पर आ गया। हालांकि जब ये सब हो रहा था तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रेत के ऊपर इतनी ऊंची इमारतें भला कैसी बनाई जा सकती है। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। इन्होंने सोचा दुबई के आसपास जो पहाड़ है वो वी शेप में बने हुए हैं और यहाँ पर जरूर कभी पानी हुआ करता था, जिसकी वजह से पहाड़ों की शेप कटी हुई है। इन्होंने यहाँ पर ड्रिलिंग करवाई और वहां वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा रखने के काम आया। ऐसे में जहां बाकी अरब के रूलर्स जो तेल के बलबूते पर अपना देश चलाते थे, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद ये बात जानते थे कि दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। ऐसे में आज भी तेल दुबई की इकोनॉमी में केवल 1% का कंट्रीब्यूशन करता है, बाकी 99% पैसा दुबई अपने अलग अलग बिजनेस से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी प्लानिंग और अकलमंदी के कारण ही दुबई अपना फ्यूचरिस्टिक और विजनरी शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसे ऐसी चीजें बनाना शुरू की जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा। अब जैसे कि आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए या फिर आप दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब की बात कर लीजिए। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े मॉल में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल और आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ये सब कुछ दुबई को एक अलग मुकाम देते हैं। अगर हम इनकी एयरलाइंस की बात करें तो एमिरेट्स एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस है। ये सभी अट्रैक्शन है जो लोगों को दुबई खींच कर लाती है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई घूमने के लिए जाते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक हर एक चीज के लिए दुबई बिल्कुल परफेक्ट जगह है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि दुबई ने तेल को बेचकर मिलने वाले पैसे से मौज नहीं किया, बल्कि उन्हीं पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट करके एक ऐसा शानदार शहर तैयार किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रेत के ऊपर गगनचुंबी इमारतों से बना दुबई सच में अद्भुत है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।